भाई कनाताल पहुंच चुके हैं, और कनाताल की खूबसूरती है कि यहाँ पे भी काफ़ी डेंस फॉरेस्ट है, और देखो किस तरह से अंधेरा ही अंधेरा हो रखा है। चलो बराबर में कार वाले को जाने देते हैं आगे। कनाताल में एक फॉरेस्ट है जिसका नाम कोडिया है, कोडिया, और काफ़ी अच्छा फॉरेस्ट है। वहाँ पे भी जीप सफारी होती है, 12 किलोमीटर जाना 12 आना, इस तरह से इस प्रकार है कुछ। वरना आप ट्रेल भी कर सकते हैं, पैदल भी जा सकते हैं। ये आ गया देवभूमि कैंपिंग रिजॉर्ट, और यहाँ पे किसी टूरिस्ट ने रास्ते में ही कार रोक ली है, वाह, अपनी फैमिली को उतारने के लिए। ये मेरठ का ही है, टॉप मॉडल एक्सयूवी 700 है, तो क्या हुआ, जगह तो देनी पड़ेगी भाई। कनाताल आने को है, अलग ही आहट आ गई है कनाताल की। और कनाताल में भाई एक फेमस चीज़ है यहाँ पे, एक तो कैंपिंग होती है और एक होती है यहाँ पे स्टार गेजिंग। मतलब स्टार बिल्कुल नीट एंड क्लीन दिखते हैं यहाँ से, आसमान ना बिल्कुल ऐसा लगता है चांद छू लो, चांद बिल्कुल पास में है। और देखो यहाँ पे एडवेंचर एक्टिविटी भी हो रही है, ये देखो लाइन लगा के खड़े हुए हैं सब कि सबकी बारी आएगी। और यहाँ पे महिंद्रा क्लब महिंद्रा भी है, काफ़ी फेमस रिजॉर्ट है क्लब महिंद्रा का, उसके सामने से ट्रेल जाता है वो जो मैं बता रहा था, 12 किलोमीटर का ट्रेल है, आप पैदल भी जा सकते हैं 8 किलोमीटर जाना आना। और काफ़ी चिड़ियाएँ दिखती हैं उसमें, काफ़ी चिड़िया, बहुत शांत है। तो ये धनोल्टी का भी बाप है कनाताल, और कनाताल एक बहुत सुंदर और अनटच डेस्टिनेशन है। तो आप कभी आएँ तो कनाताल जरूर आएँ, रुकें। और मैं तो कह रहा हूँ कि कभी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कभी आपको कनाताल आना है कैंपिंग में रुकना है तो यहाँ के जो कैंपिंग के प्राइस हैं वो 2000 रुपये पर पर्सन है, जिसमें तीनों टाइम का खाना मिलेगा, एक कैंप में 3 लोग रुक सकते हैं, स्विच कैंप मिलेंगे, लग्जरी कैंप मिलेंगे। और यहाँ पे भी रुकिए, मुझे बहुत अच्छे अच्छे कैंपिंग पता है। तो आप चाहते हैं कि मैं आपकी, देखो देखो ये रही कैंप, ये भी कुछ कैंप है, और कि आपके लिए अरेंज करूँ, आप यहाँ पे आना चाहते हैं अपनी फैमिली के साथ 1 रात या 2 रात रुकना चाहते हैं तो बता देना भाई, आपके लिए पूरा अरेंजमेंट कर लिया जाएगा, आपके लिए भी टाइम निकाल। ये देखो HR 08 बिल्कुल सड़क पर रोक के खड़ा है, वाह, या तो इसके पीछे रुक जाओ या फिर साइड से निकलो समझदारी, बिल्कुल रोक के खड़ा है, सो गया, फोटो देख रहा है, मोबाइल चला रहा है। ये देखो ये रिज जा रही है, एक ये रिज जा रही है बिल्कुल अंदर जंगल। मेरा बहुत मन करता है इस जंगल में जाने का अंदर, पर कभी टाइम नहीं मिला, कभी दोबारा से टाइम, आज भी कम टाइम में आज भी निकलते हुए जा रहा हूँ मैं, कभी इसके लिए स्पेशली आना पड़ेगा। तो यहाँ पे 3-4 कैंप हैं मेरे जानने वाले, बहुत बढ़िया बढ़िया कैंप हैं, आप मुझे मैसेज करेंगे, 2000 रुपये पर पर्सन पर नाइट पर रुकने के लिए तैयार हैं, तो आप मुझे मैसेज करना डिस्क्रिप्शन से, तो मैं आपको पिक्चर्स एंड अवेलेबिलिटी बता दूंगा, कुछ एडवांस देके आप बुक करा लेना और आ जाना, अगर आप सीरियस हैं आना है तो, इसलिए मैं प्राइस बता रहा हूँ, वरना टाइम वेस्ट ना आप अपना करना ना मेरा करना। ये देखो ये आ गया कनाताल, और भाई ये देखो जीप खड़ी हैं जैसे राजा जी नेशनल पार्क में कॉर्बेट में खड़ी रहती हैं। और ये देखो कनाताल कोडिया, मैंने बोला था कोडिया नाम है, कनाताल कोडिया नेचर ट्रेल, सॉरी मैंने 12 किलोमीटर बोला, ये 8 किलोमीटर का ट्रेल है, काफ़ी अच्छा है, घना ट्रेल है, बहुत सारी चिड़िया दिखती है, हिमालयन में ट्रेल है। और ये राइट में है क्लब महिंद्रा, तो ये तो मोस्ट ऑफ द टाइम फुली रहता है, ये फेमस है यहाँ का क्लब। और इसी देखो ये ट्रेल जा रहा है ना नेचर ट्रेल, इसी में ही कैंप दिलवाऊंगा अंदर, मज़ा आना आ गया तो बोलना, पूरा ग्लेशियर रेंज दिखती है। अगर आप अक्टूबर नवंबर से लेके अप्रैल तक आ रहे हैं तो पूरी ग्लेशियर रेंज दिखेगी, और अगर आप जुलाई अगस्त सितंबर में आ रहे हैं तो भाई आपको मॉनसून वाला फॉग दिखेगा, बिल्कुल चिलिंग रिफ्रेशिंग एनवायरनमेंट, बारिश होती रहेगी, फॉग आता रहेगा। इसके इस पहाड़ के लेफ्ट में ऊपर काफ़ी सारे कैंप हैं, तो एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस हो सकता है आपका यहाँ पर रुकने का। और देखो यहाँ पर एडवेंचर एक्टिविटी है, जो कुछ भी एडवेंचर एक्टिविटी करेंगे तो उसके लिए 200 रुपये 300 रुपये ऐसा कुछ चार्जेस है हर एक एडवेंचर एक्टिविटी का, पर पर्सन 200 300 400 500, तो उसके लिए आप एक्स्ट्रा अपने जेब में पैसे रख के लाना। कनाताल आउटडोर है, आउटडोर एडवेंचर का अलग ही एक पूरा सेटअप है, तो मज़ा आएगा, आप यहाँ पर रुकिए कैंप में और एडवेंचर एक्टिविटी करिए अलग से, तो आपकी फैमिली भी खुश, आपके बच्चे भी खुश। तो ऐसी मतलब छुट्टियाँ किसको मिलती हैं भाई बिताने को, लोग परेशान होते हैं, कोई कहीं जा रहा है कोई कहीं जा रहा है, लेकिन मज़ा नहीं आता, तो माइंडफुल ट्रेवल करो ना। ये देखो इतनी हिमालय, ऐसा रास्ता पता कब मिलता है, जब शिमला से कुफरी जाते हैं तब आता है ऐसा रास्ता, आपको शिमला और कुफरी जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत दूर है वो, आप बिल्कुल यहाँ देहरादून के पास दिल्ली के पास घूमो ना ऐसी जगह। भाई देखो क्या कैंपिंग है ऊपर, इसका नाम है बहुत सुपर लोकेशन पे है, मज़ा आ गया। ये आ गया है कोई छोटा सा शहर, इसमें देखना भैया नाम पढ़ना कहीं लिखा हो तो, कौन सी जगह है ये, ग्राम पंचायत चोपड़िया, यहाँ पे भी लिख रहा है चोपरियाल गांव है ये भाई, ये कनाताल के बाद आता है चोपरियाल गांव, और चंबा से पहले आता है, चंबा यहाँ से सिर्फ 10 मिनट का रास्ता है। और ये लोकेशन मतलब मेरी फेवरेट बन गई है,
ये लोकेशन बेस्ट है, मतलब पूरे मसूरी से चंबा का रोड तो अच्छा है ही, लेकिन उसमें भी अगर आपको सेलेक्ट करना पड़े कि उसमें भी मुझे क्रीम चाहिए, उसमें भी टॉप लेवल चाहिए, तो वो कनातल के बाद आता है। कनातल से ये चोपड़ियाल गांव आ गया, ये चंबा की तरफ, ये क्रीम है। ये लो लो जन्नत आ रहे हैं ना मजे दोस्तों। आज आपको ऐसे एरिया की सैर करवा दी है कि आपको कहीं भी उच्च हिमालय क्षेत्रों में ट्रेवल करने की जरूरत नहीं है। आप ऋषिकेश से आगे जाएंगे, देवप्रयाग आएगा, रुद्रप्रयाग आएगा, श्रीनगर आएगा, घूमते रहो, खाते रहो धक्के, कुछ नहीं मिलेगा, ना कोई सुंदरता मिलेगी, ना टेम्परेचर मिलेगा। यहाँ पे है असली लो टेम्परेचर, यहाँ पे है ठंड, यहाँ पर है घटाएं, बादल, वेदर देखो, यहाँ पर है सुंदरता हिमालय की। देवदार के पेड़ यहाँ मिलेंगे, वहाँ नहीं मिलेंगे, वहाँ नहीं मिलेंगे, समझ गए? जो यहाँ पे मिलेगा देहरादून मसूरी से चंबा वाले उस पे, और मानसून में आ गए तो मज़े ही आ जाएंगे। जितनी दूरी आगे कार जा रही है इतनी दूर का भी दिखाई नहीं देता, इतना फोग रहता है यहाँ पे। तो क्योंकि आप सुभाष चौधरी यूट्यूब चैनल से जुड़े हो तो इसलिए लकी हो और इसी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। और जो भी ये वीडियो देख रहा है अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो करते रहना, आगे भी इससे एक से एक लोकेशन आएगी। अभी जो कि तुरुप के पत्ते तो मैंने खोले ही नहीं है अभी मेन। तो अभी बस थोड़ी सी देर में चंबा आने वाला है, 5 मिनट में। तो मैं अभी यही बात कर रहा था कि जब चंबा से हम ऋषिकेश जाते हैं तो रास्ते में एक पड़ता है आगरा खाल, वहाँ पे पहाड़ी उत्पाद बहुत आते हैं, पहाड़ी जैसे अदरक हो गया या फिर आसपास के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं। तो देखते हैं आगरा खाल में हमें क्या मिलता है। अब थोड़ी देर रुक के चलेंगे, कुछ खरीद के चलेंगे। ये आरा कोट आ गया, आरा कोट है, यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है, काफ़ी फेमस है, काफ़ी नाम सुना है आरा कोट का। और ऐसे छोटे छोटे होम स्टे आपको हर 5-5, 2-2 किलोमीटर पर दिखते रहेंगे, होम स्टे, गुड लक रेस्टोरेंट, क्योंकि रात में यहाँ पे काफ़ी सवारी सफ़र करती हैं, तो कोई कहीं रुक रहा है। देखो इस तरह की जहाँ पे टंकी मिलेगी ना आपको लेफ्ट में, यहाँ पे यानी कि पानी की कमी नहीं है, पानी की टंकी में स्टोर होता है बहुत, काफ़ी लीटर की पानी की टंकी होती है। ये मेन चीज़ है पहाड़ों पे, आप कभी प्रॉपर्टी ले रहे हैं पानी देख लें भाई। देखो रोड भी आ जाती है, आदमी पैदल भी चला जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, बिजली भी आ जाती है हर जगह, कोई दिक्कत नहीं है, खंभे लग जाते हैं, तार आ जाते हैं, लेकिन पानी कहाँ से लाओगे? पानी नहीं है तो मर जाओगे, प्रॉपर्टी की वैल्यू भी नहीं रहेगी, आपके गेस्ट भी तंग रहेंगे, आपके मेहमान भी तंग रहेंगे। बंजर ज़मीन है वो जहाँ पानी नहीं है, तो पानी होना बहुत ज़रूरी है, सबसे पहले पानी देखें। और उससे भी ज़रूरी है, पानी से भी ज़रूरी कि प्रॉपर्टी के पेपर्स देखें, पेपर्स लीगल हो, म्यूटेशन हो जाए, दाखिला खारिज हो जाए, यानी कि जो नेक्स्ट पार्टी जिससे खरीद रहे हैं उसका पेपर में से नाम कट जाए और आपका चढ़ जाए, जो कि ऑनलाइन भी दिखता है भूलेख वाली वेबसाइट पे, तो वो बहुत ज़रूरी है, उसको म्यूटेशन बोलते हैं। तो ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव। देखो यहाँ पे ये आ गया ना, खेत आ गए, बोया हुआ है कुछ किसानों ने, एक लेवल पे आ गए। अब हम देखो बराबर में खाई नहीं है ना, इस तरफ खाई है ना, इस तरफ पहाड़ है। अब चल रहा है एक मैदानी इलाका, और मैदानी इलाका पहाड़ों के ऊपर आ जाए तो एक अलग ही सुकून सा, एक शांति सी, एक सेफ्टी महसूस होती है, बहुत अच्छा लगता है। बराबर में कितना घना जंगल है, वाह। तो ये सुंदरता है भाई यहाँ की, वेलकम क्लासिक हिल टॉप रिजॉर्ट, यहाँ पे एक रिजॉर्ट भी है। टिहरी झील यहाँ से 17 किलोमीटर है, यानी कि चंबा से 15 है, यहाँ से 17, यानी कि 2 किलोमीटर दूरी पे चंबा आने वाला है। मुझे काफ़ी खुशी मिलती है, मेरा मन करता है हमेशा, देहरादून में भी मैं हमेशा अपने बेड पे लेटा सोच कर चंबा कब जाने को मिलेगा, और फाइनली आज चंबा जाने को मिल गया है। चंबा एक छोटा सा, देखना कितना प्यारा सा मार्केट है, वहाँ पे सब पहाड़ी लोग, पहाड़ी मार्केट, ऐसा लगेगा कहीं हिमालयन क्षेत्र में कहीं कुछ मार्केट में आ गए हों, क्योंकि ये मार्केट काफ़ी अनटच है, ये मसूरी की तरह नहीं है, ये मार्केट ऐसा लगता है चकराता की तरह। आप कभी चकराता के मार्केट जाएंगे तो वहाँ भी आपको पूरा एक कल्चर मिलेगा, पहाड़ी कल्चर मिलेगा, जो औरतें आदमी हैं पूरा कहाँ पहाड़ी ड्रेस, पहाड़ी बोली, आसपास के गांव के आते हैं, अनटच होते हैं वो लोग कभी बहुत कम, मतलब शहर से इंट्रैक्शन होता है उनका। तो ऐसा ही सेम चंबा है, चंबा में भी देखते हैं, मार्केट घुमाता हूँ आपको चंबा का कि कैसा मार्केट है। और ये देखिए मज़ा आ रहा है भाई यहाँ पर चलने में, कभी छाँव आ रही है, कभी धूप आ रही है, कुछ साइकिलिस्ट मिले हैं, ये पता नहीं कहाँ से साइकिलिंग कर रहे हैं। पूरा सर्किट है, अभी हम सुबह देहरादून से यात्रा चालू करी थी और फिर हम मसूरी से होते हुए धनोल्टी, कनातल और अब चंबा, और चंबा से हम नरेंद्र नगर, ऋषिकेश होते हुए, ऋषिकेश से एग्जैक्ट हमें जाना नहीं पड़ेगा, नरेंद्र नगर से डायरेक्ट रास्ता जा रहा है जो कि जोली ग्रांट एयरपोर्ट के पास ही निकलता है, रानी पोखरी के पास, और वहाँ से थानो रोड से होते हुए डायरेक्ट अपने घर की तरफ सस्ता रोड पर निकल जाएंगे। तो ये पूरा एक सर्किट होगा जो कि 200 किलोमीटर के आसपास होगा, और इसमें हमें कोई भी रास्ता रिपीट नहीं करना पड़ रहा है। चंबा काफ़ी बड़ा है भाई चंबा, यहाँ से 2 रास्ते जाते हैं टिहरी, लेफ्ट से जाओगे तो टिहरी डैम, वहाँ पे पहुँचोगे जहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स होते हैं, जहाँ पे बोटिंग होती है,
राइट से जाओगे तो आप जाओगे न्यू टिहरी एक सिटी होते हुए, जो कि सिटी है, बहुत प्यारी सिटी है, चंबा की तरह दिखती है। मैं कभी गया नहीं हूँ, मैं बोल नहीं सकता कि कैसी दिखती है, पर मैंने फोटो में देखा है तो मुझे हल्की हल्की सी की झलक आती है। पर बोल सभी बोलते हैं कि बहुत सुंदर है न्यू टिहरी, तो कभी जाना होगा तो न्यू टिहरी रुकेंगे। और बाकी इस तरफ देखिए आप चंबा शहर, मैं मेरे को हमेशा दो बार मैं यहाँ से निकला हूँ, दो तीन बार, और दो बार एक रेस्टोरेंट पर खाना खाया है, मुझे याद आ जाती है उसकी। जब मेरे साथ मेरे फॉरनर फ्रेंड होते हैं, स्पेनिश फ्रेंड हैं, तो ये लेडी हमसे बार बार आगे निकल जाती है और बैठ जाती है माथा पकड़ के, है ना, गाड़ी बार बार बाहर आगे। ये वाला होटल है, वो माउंट वैली होटल, यहाँ पे मैंने खाना खाया है, काफ़ी अच्छा खाना है। और कभी आप चंबा आए तो माउंट वैली होटल इस तरफ, जब चंबा से आप मसूरी की तरफ चलेंगे तो थोड़ा सा ही चलना है, जहाँ पे ये चंबा एंड होने लगता है वहीं भी राइट साइड में होटल है, क्योंकि अब हम मसूरी की तरफ से आ रहे हैं तो हमें भी एंड होना है। पहुँच गए हैं फाइनली चंबा में और यहाँ पर कार पार्क कर दिए और भैया मिल गए हैं। चलो चलते हैं, बात करते हैं इनसे, इनका ऑफिस यहीं पर ही है। भैया ने तो पूरा प्रॉपर ऑफिस बनाया हुआ है। तो ठीक है, वो भैया ब्लू ऑल्टो में जाएंगे, अब ये चलते हैं इनके पीछे पीछे 14 किलोमीटर कहीं जंगल में ले जा रहे हैं आपकी कोटी दिखाने।